गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी से था. एयर, उसी में देखिए आगे है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में देखिए स्टूडेंट्स, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. देखिए अर्थ फेस से शुरू होकर के ये हमारी 5 लेयर्स में एटमॉस्फेयर है जो हमारा बटा हुआ है. ठीक है, दीज इसमें देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर, उसके बाद है एक्सोस्फेयर. ठीक है, आप ये देखिए इसको इसी तरह से जो नेक्स्ट जो फर्स्ट हमारा है जो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इट मीन्स सौरमंडल भी बोला जाता है इसे. दिस लेयर, अब ये जो लेयर है स्टूडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमोसफियर की. इट एवरेज इसकी हाइट है 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रेथ एक्सिस्ट एयर, और आपको पता है इसमें जो बताया कि इसमें हमें ये जो लेयर है जिसमें हम क्या है मौजूद वायु में सांस लेते हैं. ठीक है, आप देखिए ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना, जितनी भी ठीक है मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं हैं, रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर इन देयर लेयर. देखिए जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं ये सारी की सारी जो हेल स्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि ये सारी की सारी यही होती है. ठीक है, इसी में किसमें ट्रोपोस्फेयर में. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर. इसमें अबव द देखिए ट्रोपोस्फेयर, आप देखिए इसमें आप आपके देखिए ये दे रखा है स्टार्टिंग से, यहाँ से देखिए आप स्टार्ट हो जाओ. ये रहा आपका इसमें देखिए ये रहा आपका ये ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये इतना मैंने आपको बता दिया है, ये इसका एरिया बताया हुआ है, ये जो है 13 किलोमीटर का है. ठीक है, इतनी एरिया में और जितनी भी देखिए क्लाइम जितनी भी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी ही पार्ट में होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है, अब ये स्ट्रेटोस्फीयर वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है इसमें देखिए इसमें है स्टार्टिंग से इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये अबव द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर लाइज द स्ट्रेटोस्फीयर, इससे ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर और इसका एक्सटेंड अप टू हाइट इसकी है 50 किलोमीटर. दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना. ये जो स्टूडेंट ये वाला पार्ट है ना ये बताइए 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और इस पार्ट जो ये वाला पार्ट है इसमें बादल है मौसम संबंधी घटनाएँ से लगभग इसको मुक्त है मतलब इसमें नहीं होती है इस तरह की. ठीक है, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर ए फ्लाइंग एरोप्लेन्स. आप देखिए स्टूडेंट जो एरोप्लेन्स है ना वो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही देखिए उड़ते हैं. और वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज़ द कंटेन लेयर ओजोन गैस. और इसकी एक फीचर्स यह है, इम्पोर्टेंस इसकी एक है कि इसी पार्ट में ही ओजोन लेयर है. वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. और ये हमें बचाता है हार्मफुल जो रेज आती हैं सन से उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है ओजोन लेयर. उसके बाद स्टूडेंट्स है मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर में देखिए स्टूडेंट दिस लेयर इज थर्ड लेयर. अब देखिए ये थर्ड लेयर है. ठीक है, इट लाइज अबोव द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर है और इसका फैलाव है 80 किलोमीटर हाइट पर है. और मेट्रो देखिए मेट्रोराइट्स बर्न अप टू दिस लेयर एंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस. अब आप देखिए स्टूडेंट जितने ये बताया कि ये वाला जो इतने और अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए जो मेट्रोइड्स हैं ठीक है उल्का पिंड है इसी जो पार्ट से ठीक है इसी पार्ट में आने पर वो क्या हो जाते हैं मतलब इसी पार्ट में वो जलते हैं. ठीक है, आने पर जल जाते हैं. उसके बाद है थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर जो है देखिए टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग. अब इसमें क्या होता है ये जो एक्सोस्फीयर है ये क्या इसकी बढ़ती ऊंचाई के कारण इसका टेम्परेचर है वो क्या है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है. ठीक है, इसके बाद देखिए उसके बाद है आइनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर एक्सटेंड. अब जो इसमें जो इसकी देखिए इसकी जो हाइट है ना स्टूडेंट्स ये इसकी देखिए 80 से लेकर 400 किलोमीटर ठीक है में फैला हुआ है. और दिस लेयर हेल्प द रेडियो ट्रांसमिशन और इसकी जो रेडियो संचार के लिए इसकी हेल्प ये हेल्पफुल है. ठीक है, इसी जो ये वाला जो पार्ट है ना इसी में ही रेडियो ट्रांसमिशन
है। उसके बाद देखिए फिर है रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर द रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय द लेयर। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है जो ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसी में ही जो रेडियो ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन और जो रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, जो मतलब रेडियो जो तरंगे हैं वो इसी पार्ट में ही अर्थ के ये जो अर्थ से ऊपर वाला इसी पार्ट में ही फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्सोस्फीयर। जो एक्सोस्फीयर है ये मोस्ट अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, एटमोस्फीयर का, और इसे एक्सोस्फीयर या भारी मंडल भी बोला जाता है। और दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, और यह वायु की पतली परत है, ठीक है, और लाइट गैसेस लाइक इसमें लाइट गैसेस हैं जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन टू स्पेस फ्रॉम, और यही देखिए अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम मैंने आपको ये सारी लेयर्स के बारे में बता दिया। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है, और जब आप ये अपना जो चैप्टर करोगे तो इसमें आप ये सारी लेयर्स में ऐसे कि ऐसे ये डायग्राम है वो आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट में देखिए, इट इज़ गोइंग टू रेन टूडे, क्या आज वर्षा होगी, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी, हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर दिस फ्रॉम एक्सक्यूज क्रिकेट फैंस, देखिए स्पेक्टिंग द देखिए फिट ऑन द वन डे मैच, इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी रेडियो एंड द माइंड स्पीकर वेदर समथिंग द देखिए फाइडल्स विद द कंट्रोल देखिए नॉब्स। अब इसमें क्या है कि अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, कितनी बार हमने जो क्रिकेट को जो क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं ना, क्रिकेट के फैंस हैं, ठीक है, क्रिकेट फैंस के मुंह से जो देखिए वनडे जो मैच होते हैं ना, भविष्य का अनुमान लगाते हमने सुना होगा, यदि यह कल्पना करेगी हमारा शरीर एक रेडियो है और जो हमारा माइंड है वो उसका स्पीकर है, तो मौसम वह है जो उसके जो मतलब कंट्रोल में उसके बटन को छोड़ जो छेड़छाड़ करता रहता है, और मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें है कि जो नेक्स्ट है देखिए वेदर सम फाइंडिंग, हाँ वेदर इज़ आवर टू आवर, ये बता दिया मैंने कंडीशन, ए हॉट और ह्यूमिड, ठीक है, अब एक गर्म और आर्द्र, ठीक है, मौसम किसी भी को क्या बना देता है, इरिटेबल चिड़चिड़ा बना देता है। कई बार देखो आपको पता है जब ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी जो हमारे असहनीय है जिसमें क्या है नमी होती है और चिपचिपाहट सी होती है, वो हमें इरिटेट बना देती है वो गर्मी। ए प्लेजेंट ब्रीज वेदर मे मेक वन चीयरफुल इवन प्लान फॉर आउटिंग, और आपको पता है जो अच्छा सुहावना मौसम है जिसमें ठंडी हवा चल रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम करते हैं चलो कहीं आउटिंग के लिए प्लान बनाते हैं कि बाहर जाया जाए बाहर घूमने के लिए। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, अब आपको पता है ये नाटकीय रूप से जो ड्रामेटिकली मतलब कि ये प्रतिदिन बदलता रहता है। ठीक है, किंतु ये बताया कि हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रजेंट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, नाउ टू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर देखिए फॉर ए कास्टिस। अब इसने कहा है कि आपको पता है कि किंतु ये जो क्या लंबे समय के लिए किसी भी स्थान का जो मतलब टेम्परेचर है उसकी एवरेज जो एवरेज जो मौसम है उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम की जो डेली का जो मौसम है ना उसके बारे में देखिए पूर्वानुमान क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर स्टूडेंट, उसके बाद जो टेम्परेचर के बाद जितनी भी इसमें जो भी कंडीशंस होंगी वो हम वन बाय वन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स,
अब देखिए इसमें फिर मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, टेम्परेचर है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर हमारा लेक्चर, ये हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। ओके थैंक्स स्टूडेंट्स।